हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने लीफ ऑफ लाइफ रखा हुआ है, जिसे पथ चटा के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो आज हम इसकी देखभाल के बारे में बात करेंगे। इसको लीफ ऑफ लाइफ के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। इसकी जो ये पत्तियाँ होती हैं, ये बहुत मोटी होती हैं और जूसी होती हैं। इसमें जो रस होता है, इसका वही रस जो हमारी बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर हम इसकी पत्तियां खाते हैं तो यही इसके जो पत्तियों में रस होता है वही हमारी बीमारियों को ठीक करता है, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्लांट है। तो ये मेडिसिनल प्लांट तो है ही, साथ ही साथ इसको हम एक डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर भी लगा सकते हैं। जो इसकी पत्तियां हैं वो एकदम बंच में आती हैं, बिल्कुल घुमावदार बंच में पूरा घिरा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा पत्तियों से भरा होता है। ये अगर हम अच्छे से इसकी केयर करते हैं और इसको धूप पड़ने पर, समर टाइम पर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तब हमें इसको छाँव में रखना चाहिए। सेमी शेड में अगर हम रखेंगे तो जो इसकी पत्तियां हैं वो हरी भरी रहेंगी। और इसकी जो ख़ास बात है, जो इसको बाकी प्लांट से अलग करती है, वो ये है कि आप ये देखेंगे यहाँ पर, अगर हम एक प्लांट लगाते हैं तो उस प्लांट के साथ साथ ये छोटे छोटे प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं और इसकी रूट के आसपास बनना शुरू हो जाते हैं, जो हर प्लांट को कवर कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट आपको इन प्लांट के आसपास नज़र आ रहे हैं, और ये इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर हम इसको मेडिसिनल प्लांट के तौर पर ना भी लगाएं, तभी भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है, और इसको एक डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर भी हम लगा सकते हैं और अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। हम किसी भी कॉर्नर में अगर रखते हैं, चाहे इसको इनडोर या आउटडोर जैसे भी लगाना चाहें, ये हमारे घर की खूबसूरती को खूब बढ़ाएगा। इस प्लांट की एक खास बात है जो इसको बाकी प्लांट से अलग करती है। बाकी प्लांट में अगर हम सिर्फ एक प्लांट लगाते हैं तो हमें एक ही प्लांट मिलेगा और उसमें एक ही प्लांट की ग्रोथ चलेगी, मगर आप देख सकते हैं इस प्लांट में अगर हम एक प्लांट लगाते हैं तो बाकी छोटे छोटे प्लांट इसके रूट के आसपास एकदम सर्कल में इसके आसपास निकलने शुरू हो जाते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट जो आप देख सकते हैं इनकी रूट में, ये सब में आपको छोटे छोटे प्लांट नज़र आएंगे जो इसको बाकी प्लांट से अलग करते हैं। और दूसरी बात इसकी ये है, जो बहुत ज़्यादा इसकी आप खूबी कहेंगे, कि बाकी प्लांट तो हमें जब विंटर आती है तो वो उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सूखकर वो झड़ने लगते हैं, लेकिन ये प्लांट विंटर में भी हरा भरा रहता है और हम इसके फ़ायदों का लाभ उठा सकते हैं विंटर में भी, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बिल्कुल हरी भरी रहती हैं और वो गिरती नहीं हैं। इसकी सिर्फ अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, अगर समर होगा या फिर मार्च अप्रैल में भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं अगर हम इसको धूप से नहीं बचाते हैं। तो बाकी इसको हमें पूरे साल इससे पत्तियाँ मिलती रहती हैं और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियाँ बाकी प्लांट से अलग होती हैं। इसकी पत्तियाँ मोटी होती हैं और जूसी होती हैं। अगर हम इसकी पत्ती को तोड़ते हैं तो इसकी पत्ती बाकी प्लांट की तो मुड़ जाएगी, लेकिन इसकी पत्ती एकदम क्रैक हो जाएगी और वो बिल्कुल टूट जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रस से भरा होता है इसका पत्ता। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है और आसानी से चलने वाला प्लांट है। अगर हम एक प्लांट लगाते हैं तो इसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको सिर्फ एक नॉर्मल सी केयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम बाकी प्लांट के लिए करते हैं, टाइम से वाटरिंग और टाइम से फर्टिलाइज़र, बस, और कुछ ज़्यादा हमें अलग से नहीं करना पड़ता है। और ये इजी टू ग्रो प्लांट है और इजी टू केयर है, इसे कोई भी आराम से लगा सकता है अपने घर में, और ये बहुत अच्छे से चलता है प्लांट, और ये पूरे साल हरा भरा रहता है, और बाकी प्लांट की तरह ये विंटर में भी एकदम सूखता नहीं है, ना ही इसके पत्ते गिरते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके, और टाइम के साथ इसके पत्ते और भी ज़्यादा बड़े होते जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ पत्ते कितने बड़े साइज़ के हैं यहाँ पर, जैसे ये आप ये देख सकते हैं, इस तरह से बड़े साइज़ के भी पत्ते होते जाते हैं और हर साइज़ के इसमें पत्ते नज़र आएंगे। मैंने ये प्लांट और भी कंटेनर में लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे दो कंटेनर में तो लगाया हुआ है, एक कंटेनर ये भी है, आप यहाँ पर साथ में देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट। और इसको मैंने और भी कई कंटेनर में लगाया हुआ है,
चलिए मैं दिखाती हूँ आपको एक इसको जिसको मैंने बड़े कंटेनर में लगाया हुआ है। ये देखिए ये मेरा पहला कंटेनर है जो मैंने ये सेंटर में लगाया है। ये बड़े बड़े प्लांट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पहला कंटेनर है जिसमें मैंने इसको लगाया था। उसके बाद मैंने बाकी कंटेनर में इसको लगाया है और ये काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं इसके अंदर। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके नीचे रूट में भी कितने सारे प्लांट बने हुए हैं और ये एकदम भरा हुआ है नीचे से। इसकी रूट एकदम कवर हो रखी है प्लांट से जो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और बाकी प्लांट से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि ये नीचे से भरा होता है, नीचे से छोटे छोटे प्लांट इसको कवर कर लेते हैं। इसे मैंने और भी कंटेनर में लगाया हुआ है, छोटी छोटी बॉटल में भी लगाया हुआ है मैंने। ये जो आप देख रहे हैं सामने इन कंटेनर में तो लगाया हुआ है और ये कितना खूबसूरत लगता है बाकी प्लांट से, एकदम अलग है ये प्लांट। तो आप भी इस प्लांट को अपने घर में लगाएं और इसका लाभ उठाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।